वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे एंड खैरियत से होंगे। तो अभी मैं जा रही थी मार्केट, मैंने सोचा कि मार्केट का व्लॉग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। ये जो मैं मार्केट जा रही थी गाइज, ये है सैटरडे मार्केट जिसको बोलते हैं सनीचरा बाजार। मार्केट ना स्पेशली रात के टाइम, मतलब शाम के टाइम पे लगता है। यहाँ पे बहुत सस्ती चीजें मिलती है, सेकंड हैंड चीजें मिलती है, फैब्रिक मिलता है, कपड़े मिलते हैं, गुड़तियां मिलती है, लेडीज की हर चीज मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा सस्ती होती है। तो पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में मार्केट के काफी सारे व्लॉग शेयर किए हैं, आप लोगों ने पसंद किए हैं, तो ये भी व्लॉग को देखिएगा एंड लाइक करिएगा पसंद आता है तो। मुझे तो वैसे स्पेशली कुर्ती या फिर मुझे ठंडी के कपड़े लेने के लिए जाना था, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे। मैंने अभी भी दिन के टाइम में ये शॉल पहनी हुई है, क्योंकि फिर भी अभी 3:30-4 बजे का टाइम है, ये धूप है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा घर में ठंड लग रही है। वो चले चलते हैं मार्केट, मैं रेडी होती हूँ। सो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मार्केट में, और ये ऐसे खुले मैदान में मार्केट होती है, ज़्यादा इसमें शॉप वॉप नहीं होती, तो ऐसी मतलब खुले में सब दिख जाती है चीज़ें। तो ये शॉप में ये वेलवेट के फैब्रिक काफ़ी सारे थे, और अभी ना वेलवेट चल भी बहुत ज़्यादा रहा है विंटर की वजह से। लोग शादियों में ना विंटर में लहंगे बना रहे हैं, वेलवेट के सूट बना रहे हैं। तो मैं अपने भाई और अपनी मम्मी के साथ गई थी, तो यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे थे फैब्रिक। मुझे कुछ मैचिंग के चाहिए था एंड कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिए भी है, जो मैंने लिए मैं लास्ट में बता दूंगी आपको। तो यहाँ पे ना बहुत सेल होती है, मतलब बहुत सस्ता कपड़ा मिल जाता है आपको, इनर मिल जाएंगे ऐसे मैचिंग का अस्तर कपड़ा मिल जाएगा, दुपट्टे मिल जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है कपड़ों की। तो यहाँ पे इस टाइप के आपको ऐसे शेरवानी या फिर हम जो पठानी बनाते हैं उसके भी कपड़े मिल जाएंगे। तो ये मैं अपने भाई को बता रही थी कि तू ले ले, ये अच्छा लग रहा है, मरून कलर का था ये एंड बहुत ज़्यादा हैवी था, एंड ये 150 रुपीज़ का ये दे दे रहे थे पूरा इतना, मतलब ये ऐसे घिन के भी नहीं देते हैं, कभी कुछ ज़्यादा इनका बच जाता है तो ये वैसे ही दे देते हैं। तो इस टाइप के फैब्रिक यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत वैरायटी होती है फैब्रिक की, बस आप लोगों को ढूंढना होता है। एंड ये शाम का टाइम था तो यही टाइम सही रहता है इस पे जाने का यहाँ पे, वरना दुकानें भी नहीं लगती अगर जल्दी चले जाओ तो। तो यहाँ पे ऐसे आपको हैवी पार्टी वेयर जैसे एम्ब्रॉयडरी वाले जो सूट होते हैं ना वो भी मिल जाते हैं, एंड कपड़े भी मिल जाते हैं ऐसे जो हाथ के काम के होते हैं, वो थोड़े से महंगे होते हैं, 600-500 रुपये पर मीटर होते हैं, लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है एंड आप अलग अलग दुकान में भी जाके देख सकते हो। लेस भी मिल जाती है यहाँ पे इस टाइप से आपको, ये 50-30 रुपये के ऐसे ये बंडल ही दे देते हैं, 9 मीटर 8 मीटर की लेस होती है, मैंने लेस भी ली है, आपको आगे दिखा दूंगी मैं। एंड मैं यहाँ पे देख रही थी अपने कुर्ते के लिए फैब्रिक, मुझे एक पिंक कलर का फैब्रिक चाहिए था बट वो मुझे मिला ही नहीं, तो अभी आप आगे देखोगे भी। एंड ये देखिए इस टाइप से लेस पड़ी हुई होती है गाइज, एंड बहुत वैरायटी होती है लेस में भी, मैं भी आपको पूरा नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे चीज़ें भी खरीदनी थी और फिर वीडियो बनाओ चीज़ें खरीदो तो कंफ्यूज हो जाता है इंसान, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जितना दिखा सकती हूँ उतना बनाऊँगी, एंड बाकी का तो फिर आप लोग अगर नागपुर से हो तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो। ये सैटरडे मार्केट सनीचरा बाज़ार जुम्मा तालाब के पास में होता है ये मार्केट, बहुत बड़ा भरता है। तो ये इस टाइप से लेस होती है, यहाँ पर लेस मिल रही थी, फैब्रिक मिल रहे थे, और यहाँ पे ना ये वाली शॉप में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे फैब्रिक होते हैं। मैचिंग का मैं कुछ ढूंढ रही थी, मेरे को इसके लिए इनर लेना था, तो मैंने भैया को बताया कि मुझे लाइक्रा फैब्रिक चाहिए, उन्होंने कहा अभी नहीं आएगा, इस सैटरडे नहीं आएगा, मतलब नेक्स्ट टाइम आ जाओ आप तो आपको मिल जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ से उनको बता दिया कि मुझे चाहिए, आप रखना प्लीज़। तो उसके बाद आगे गए तो यहाँ पर ऑर्गेंजा में भी काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक मिल रहे थे, और अभी ना ऑर्गेंजा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, अगले साल भी था इस साल भी है, मतलब लोग ले लेते क्योंकि वो सस्ता होता है ना, तो इजीली उसके आप ऐसे कुछ बना सकते हो, ऐसे लहंगे वहंगे बना सकते हो। एंड इस शॉप में, ये शॉप नहीं है, ऐसी नीचे से ऐसी इनकी बिछी हुई होती है, यहाँ पे ना इतने अच्छे अच्छे दुपट्टे मिल रहे थे गाइज, मैंने यहाँ से 10 से 11 दुपट्टे लिए हैं, एंड मैं आपको बाद में इसका पूरा अलग से एक हॉल बना के बताऊँगी। इतने प्यारे दुपट्टे थे यहाँ पे, मतलब मेरा ना ऐसा लग रहा था कि मेरा जाना ना वसूल हो गया, इतनी अच्छी चीज़ मिली मुझको, इतने अच्छे दुपट्टे मिले, तो मैं बहुत खुश हो गई थी वहाँ जाके क्योंकि मुझे इतने अच्छे दुपट्टे मिल गए। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसी की दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से जो 10-11 दुपट्टे लाए हैं वो कितने प्यारे और कितने हैवी है।
एंड फिर यहाँ पे भी मैंने लेस ली, उसी में से मैंने एक दुपट्टा एक ब्लैक कलर का लिया था ना, तो उसमें मैंने सोचा कि मैं ये वाली लेस लगा लूँगी। ये मुझे 150 रुपये की 9 मीटर दिए थे उन्होंने। तो इस टाइप की ना यहाँ पे ऐसी लेस मिल जाती है, आप दुपट्टे पे साड़ी पे कहीं पे भी लगा सकते हो। तो ये मैंने अंदर से निकाला एंड इसमें भी ब्लैक कलर था, तो मैंने सोचा कि ये वाला ले लेती हूँ। इसमें ऐसे सीक्वेंस का वर्क था, जो मेरे को पसंद आ रही थी वो ऐसे ये मिरर वर्क वाली थी, तो मैंने जो है मिरर वर्क वाली ही ली क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। जो आपको पहली बार में चीज़ पसंद आ जाए ना, तो इंसान के दिल उसी पर रह जाता है, तो वो मैंने ले लिया वहाँ से। एंड ये इस टाइप की कुछ मार्केट है गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बीच में रोड होता है एंड साइड में इस टाइप से ये लोग लेके बैठते हैं ठेले पे, ठेले पे भी नहीं नीचे भी बिठा देते हैं, ज़मीन पे ऐसे बिछा के बस बेच देते हैं। तो क्योंकि परमानेंट यहाँ पे किसी की कोई ऐसी शॉप नहीं होती है, तो इसीलिए ऐसे बेचते हैं। यहाँ पे ही ना 400 का ये सूट बेच रहे थे, ऐसे पूरा सूट नीचे का इसका प्लाजो था एंड साथ इसके दुपट्टा पूरा मैचिंग करके था। एंड मेरे को यहाँ से एक बहुत ही प्यारा मैंने सूट भी लिया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इतने अफोर्डेबल रहते हैं ये एंड ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत बुरे मिलेंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है इसकी। आप यही चीज़ के दुकान में 2000 तक दे दोगे, 2500-2000 तो आराम से दे दोगे, लेकिन यहाँ पर ये 400-500 रुपये का ऐसा लाट ही लाते हैं, इसको लाट बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने एक सूट लिया एंड फिर हम लोग जो स्पेशल जिसके लिए गए थे वो थी विंटर की शॉपिंग। गर्मियों के सर्दियों के लिए हम जैकेट लेने गए थे मेरे भाई और अब्बू के लिए, तो यहाँ पे वो ही देख रहे थे अम्मी और मैं। एंड यहाँ से जो है हमने 3 जैकेट लिए, तो जैकेट भी मैं आप लोगों को शो कर दूँगी कि हमने कौन से लिए। मौसम आज का बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है गाइस। तो ये इस टाइप के कलर थे इस जैकेट में, मरून और ब्लू एंड रेड भी था, तो इस टाइप के कलर वैसे अच्छे लगते हैं। ब्लैक में नहीं था, ब्लैक में भी था शायद, बट देखो हमने कौन सा लिए है। तो ये ऐसा कुछ था, ये ऐसा कुछ मार्केट है। अब हम लोग जाएंगे घर और घर जाने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या लिया है हमने। एंड अगर नहीं बता पाई इस वीडियो में तो अलग से वीडियो बना के बता दूँगी, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है, अलग से हॉल बनाना पड़ेगा उसका। तो या यही थी मार्केट, इस टाइप की कुछ लगती है। ओके गाइस, तो मैं आ गई हूँ वापस मार्केट से। मैंने जो चीज़ें लेकर आई हूँ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ और इस वीडियो में मैं बता नहीं पाऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग ना नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आई हूँ उस मार्केट से। आप लोग ना देखोगे तो कहेंगे कि बहुत यूनिक सी चीज़ है, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी इंशाल्लाह। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।